युवाओं की हो उन्नति, इसके लिए सरकार लेकर आई है मध्य प्रदेश युवा नीति 2023। मार्च 2023 को भोपाल का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जिसका युवाओं को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल 23 मार्च को आयोजित युद्ध महापंचायत में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 लॉन्च की। इस विशेष अवसर पर युवा पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ। सरकार जो नई युवा नीति लेकर आई है उसके एक नहीं बल्कि कई उद्देश्य हैं। हमने इस नीति के उद्देश्य बताए, वो 10 उद्देश्य तो ये है कि एक ऐसे उद्यमी बने जो आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने को तैयार हो, आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था और संरचना के प्रति जागरूक हो, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, कृषि और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी हो, प्रतिभागिता की भावना से युक्त हो, समावेशी हो, न्यायपूर्ण हो, वैज्ञानिक स्वभाव और दृष्टिकोण से युक्त हो, तथ्यों के आधार पर युक्त निर्णय लेने में समर्थ हो, अपनी संस्कृति एवं अपने संस्कार के प्रति आदर के भाव से युक्त हो, राष्ट्र निर्माण एवं अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो, भविष्य में नेतृत्व प्रदान करने में भी वो समर्थ हो, शिक्षा और कौशल अर्जित कर रोजगार के योग्य हो, ऐसे युवा बनाना इस नीति का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति के 12 मुख्य उद्देश्य बताए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसके कार्य क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी दी। और इसके कार्य क्षेत्र है, नंबर 1 शिक्षा और कौशल, नंबर 2 रोजगार और उद्यमता, नंबर 3 स्वास्थ्य, नंबर 4 युवा नेतृत्व और सामाजिक कार्य, नंबर 5 खेल और फिटनेस, नंबर 6 कला संस्कृति, नंबर 7 पर्यावरण सुरक्षा और नंबर 8 समावेशन और समता। युवा नीति 2023 मध्य प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लिया गया कदम है जिसमें युवा अहम भूमिका निभाएंगे। युवा नीति से मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनकर उभरेगा जिसमें युवाओं की ऊर्जा और योग्यता के सभी बहुआयामी सरोकार समाहित होंगे और क्षेत्रीयता, जातिवाद और लिंग असमानता नहीं होगी।